सो गाइज दिस इज कमिल एंड यू आर वॉचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए बी एन बी ट्विटर ऐप में ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना और जल्दी से हम अपना ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ बी एन बी ट्विटर ऐप में। तो बी एन ऐप ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको नीचे जो प्लस आई कैनर है आप देख सकते हो इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहां से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ऊपर में हमें यहां पर दो ऑप्शन मिलता है वीडियो एंड फोटो। तो हमें फोटो ऑप्शन को चूज़ करना है। उसके बाद यहां से हम अपना फ़ोटो ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस। तो यहां से मैं अपना सारा फ़ोटो को जो है ऐड कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो मैं जिस तरीके से अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ इसी तरीके से आप भी अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक जितने भी पिक्चर आपके पास है उनको आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने अपना पिक्चर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे हमें यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो हमारा सारा पिक्चर आ जाएगा बी एन वीडियो एडिटर ऐप में। यहाँ से आप प्ले कर सकते हो अपना वीडियो प्ले करके प्रीव्यू कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको बिल्कुल इसकी एंड पोजिशन पर आ जाना है और आपको यहाँ पर एक ब्लैंक पार्ट दिखाई देगा एक स्क्रीन दिखाई देगा। तो हमें इस क्लिप को क्या करना है डिलीट कर लेना है डिलीट के ऊपर क्लिक करके। उसके बाद हमें इसका एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर लेना है ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करना है एंड यहां से हमें 4:5 को चूज़ करना है या आप अपने हिसाब से कोई भी एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो लेकिन मैं यहां से 4:5 चूज़ कर रहा हूँ। एंड अभी हमारे सारा पिक्चर 4:5 एस्पेक्ट रेशियो में आ चुका है आप देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको अपने फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है एंड इसका टाइम ड्यूरेशन आपको कर लेना है 1.5 सेकेंड। ठीक है सो इनका टाइम सबसे पहले इस तरीके से आप इस टाइमलाइन को बड़ा कर लीजिएगा और इस तरीके से आप इसका टाइम ड्यूरेशन 1.5 सेकेंड कर लीजिएगा। तो ये हो चुका है 1.5 सेकेंड। उसके बाद इसका भी ड्यूरेशन हमें कर लेना है 1.5 सेकेंड एंड देन जो स्टार्ट पिक्चर है इसका भी टाइम ड्यूरेशन 1.5 सेकेंड कर लेना है। तो इसी तरीके से आप अपना सारा पिक्चर का टाइम ड्यूरेशन इक्वल कर लेंगे 1.5 सेकेंड। तो आप देख सकते हो सभी फोटो का टाइम ड्यूरेशन मैंने 1.5 सेकंड कर लिया। तो इसी तरीके से आप भी अपना सारा पिक्चर का टाइम ड्यूरेशन 1.5 सेकंड कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर आ जाना है एफएक्स पर। एफएक्स पर आने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारा इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा इस टाइप का। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट टाइप का इफेक्ट मिलेगा। तो यहाँ से हमें फ्लैश इफेक्ट को चूज़ करना है। ये आप देख सकते हो फ्लैश एंड इसका टाइम ड्यूरेशन आपको 1 सेकेंड कर लेना है ठीक है इस इफेक्ट का। तो ये 1 सेकेंड में अप्लाई हो जाएगा और इसको आपको यहाँ पर ड्रैग करके इसकी एंड पोजीशन पर लेके आ जाना है ठीक है अपनी फोटो के एंड पोजीशन पर इस इफेक्ट को लेके आ जाना है एंड उसके बाद इसको कर देना है डन। तो ये हमारा सबसे पहला इफेक्ट आ चुका है। उसके बाद हमें आ जाना है सेकेंड फोटो पर देन अगेन एफएक्स पर आना है और यहाँ पर आपको अगेन फ्लैश को अप्लाई कर लेना है इसका टाइम ड्यूरेशन 1 सेकेंड कर लेना है एंड इसको सिंपली कर देना है डन। उसके बाद इसी तरीके से आपको आ जाना है अपना थर्ड पिक्चर पर एंड अगेन फ्लैश इफेक्ट को अप्लाई कर लेना है 1 सेकेंड कर लेना है। तो इसी तरीके से सभी फ़ोटो पर आप फ्लैश इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे लाइक दिस। ओके तो आप देख सकते हो सभी फ़ोटो पर मैंने इस इफेक्ट को अप्लाई कर लिया एंड यहाँ पर आ चुका है एकदम सभी पिक्चर पर ये इफेक्ट आ चुका है। सो अभी हमें क्या करना है अपना म्यूज़िक ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हमें टैप टू ऐड म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ से आप अपना म्यूज़िक ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इस म्यूज़िक को ऐड कर लेता हूँ और ये म्यूज़िक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है लाइक ये म्यूज़िक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद नीचे कर देना है डन।
तो म्यूज़िक यहाँ पर आ चुका है। आप चाहो तो म्यूज़िक में बीट ऐड कर सकते हो मैन्युअली। आपको अपने म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करना है और ये मिलेगा बीट्स, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर प्ले करके बीट ऐड कर सकते हो जहाँ पर म्यूज़िक का बीट आ रहा है लाइक दिस। तो आप देख सकते हो इस म्यूज़िक पर ऑलरेडी बीट ऐड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी वीडियो को फाइनली प्ले करना है, इसके ऊपर क्लिक करके प्ले करने के बाद हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है। आप देख सकते हो हमारा वीडियो किस तरीके से बन के तैयार हुआ है। सो काफ़ी इजीली आप इस तरीके का रील्स एडिटिंग कर सकते हो फोटोज से और साथ में म्यूजिक से। तो यहाँ पर हमने म्यूजिक भी ऐड कर लिया और फोटो से हमने वीडियो भी बना लिया। तो अभी आप चाहो तो इसमें और एडिटिंग कर सकते हो, जैसे कि बीच में जो प्लास्टिक नर है इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से कोई इफेक्ट ऐड कर सकते हो इस तरीके का। तो काफ़ी सारा इफेक्ट मिलेगा यहाँ पर भी आपको, और इस टाइप का इफेक्ट भी आपको मिलेगा। आप चाहो तो इस टाइप का इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसको नॉन कर लेते हैं क्योंकि ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें इस वीडियो को सेव करना है, तो इसके लिए एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप 4K रेजोल्यूशन चूज़ करेंगे, FPS आप 60 चूज़ करेंगे, बिटरेट आप हाई चूज़ करेंगे और टिक मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका वीडियो आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।